हेलो एंड वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है यहाँ पर JKSSB की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर जो है इन्होंने निकाला गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पूरी वीडियो के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ की जो है यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं और कैसे जो है इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इन्होंने बताया है डिस्ट्रिक्ट कैडरे पोस्ट जो है यहाँ पर आई है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं 1395। ठीक है, यानी कि 1395 जो है यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है इसमें जो यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है यहाँ पर सबमिशन यानी कि आपके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो होगा स्टार्ट आपका 6/6/2022 से। ठीक है, यानी कि 6 जून से यहाँ पर जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होना स्टार्ट हो जाएगी और जो है लास्ट डेट उसकी वो है आपको 6/7/2022। ठीक है, यानी कि 1 मंथ का टाइम दिया है यहाँ पर। तो देखिए अनेक्सर ए क्या कहता है कि इस पोस्ट का नेम ऑफ द पोस्ट कैडरे पे लेवल कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे जो पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, कैडरे देखेंगे यूटी का है पे लेवल भी ये कैटेगरी वाइज वहाँ पर जो है सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, पूरा जो है क्राइटेरिया एक स्टूडेंट्स का देखेंगे कितनी क्वालिफिकेशन है कौन सा कैडरे है उसका। ठीक है, उसको कौन सी पोस्ट चाहिए उसकी पे लेवल कितनी होगी और उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, और बी अनेक्सर में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है इनको फिजिकल लिमिटेशन का जो है इनको सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है अनेक्सर सी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग आउनस्क्राइब। ठीक है, अगर आप कोई स्क्राइब यूज़ करते हो तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर लेटर होना चाहिए। ठीक है, एक आपको अंडरटेकिंग लेटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर जो है यहाँ पे पोस्ट है वो मैंने आपको बताई 1395। इसको अप्लाई करना कैसे है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पर जाके आप उसको अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको जो है यहाँ पर डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल यहाँ पे आपको होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पर इन्होंने पूरी जो है यहाँ पर दी गई है इन्होंने कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो है आपको 1 जैन 2022। ठीक है, यानी कि 2022 से आपको जो है यहाँ पर ये क्या करेंगे काउंट करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो आपकी जो एज है देखिए ओपन मेरिट में जो एज है यहाँ पे वो है 40 ईयर्स। ठीक है, और SC की 43 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ST की जो है 43 है, RBA की 43 और ALCIB जो है यहाँ पर उनकी भी 43 है। ठीक है, नॉट बॉर्न बिफोर डेट उन्होंने मेंशन की हुई है और नॉट बॉर्न आफ्टर इसके यहाँ पर जो यहाँ पे भी डेट मेंशन की है, तो इससे पहले या इससे बाद में जो है डेट नहीं होनी चाहिए। वीकर सेक्शन की यहाँ पे यानी कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल PSP जो हैं उनकी भी 43 एज है यहाँ पर। सोशल कास्ट की भी 43 है। फिजिकल चैलेंज पर्सन अगर कोई है तो उनकी जो है एज यहाँ पर 42 है। एक्स सर्विसमैन की भी 48 है और गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयमेंट कोई है तो उसकी जो है यहाँ पर एज 40 दी गई है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं आपकी यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आपको कोई भी यानी कि बोर्ड से 12th जो है आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बोर्ड से आपके जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, मार्कशीट भी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री वाले भी अगर कोई हैं तो वो भी ये जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है ये मैं आपको पूरी PDF जो है यहाँ पर टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगी। टेलीग्राम का चैनल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिजर्वेशन देखिए यहाँ पर SC ST EWS PWD PSP की जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, सो बहुत ही बड़ी अपडेट है JKSSB की तरफ से जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो है 500 रहने वाली है और
बाकी जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर कैटेगरी जो उनकी है वो 400 उनकी फ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो है वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे जाके आप चेक करिए। अगर आपको नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे फटाफट जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको इसमें आएंगे। यहाँ पर आपको जो है 0.25 मार्क्स जो हैं आपको हर एक मतलब क्वेश्चन गलत करने पर आपको जो है नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है। वेबसाइट www.jkssb.nic.in है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो है सारा प्रोसीजर जो है इसका कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। आपके पास जो है एक ID प्रूफ होना चाहिए, या कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट, कुछ भी जो है आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये थी आज की बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि कहाँ से, JKSSB से आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कैसे करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।